Hi dear friends, how all are you? I think सारे अच्छे होंगे अपने घर में, घर में बाहर whatever, जैसे भी हो अच्छे होंगे। चलिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वेव्स, हमने पढ़ ली थी। वेव्स क्या होती है जनरली, कि विंड से, विंड जो फोर्स लगाती है ठीक है ओशन पे, तब ये जनरेट होती है वेव्स। और किसके मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसको विंड से मिलती है और यूँ जनरेट होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके साथ पानी ब्लो नहीं होता, इसके साथ ये एनर्जी ही है, एक फोर्स ही है, ये एक तरीके का मूवमेंट है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि वेव्स हैं, करंट्स हैं एंड टाइड्स हैं ठीक है, मैन हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनके अंदर क्या है कि हॉरिजॉन्टल जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ओशन मूवमेंट को, तो वो तो है वेव्स एंड करंट्स। और जो वर्टिकली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या है, टाइड्स हैं। तो ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे विच इज इन्फ्लुएंस द ओशन वाटर वर्टिकली, तो आपको ऑप्शन तीनों मिलेंगे, एक मिल जाएगा नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो आपको ऑप्शन क्या टिक करना है, टाइड्स टिक करना है। चलिए हमने वेव्स कंप्लीट कर लिए, अब टाइड्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर करंट्स पढ़ लेंगे ठीक है। एक्चुअली टाइड्स होते क्या हैं, फर्स्ट तो इट इन्फ्लुएंस द ओशन मूवमेंट्स वर्टिकली, ये लाइन तो आपको सबको याद हो गई होगी आई थिंक। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइड्स, टाइड्स दूसरा लेते हैं मार्कर, टाइड्स। तो ये टाइड्स क्या है एक्चुअल में, ज्वार भाटा, नाम सुना होगा ज्वार भाटा ठीक है। तो ये ज्वार भाटा क्या है, ज्वार मतलब ऊपर उठने वाला और भाटा मतलब नीचे गिरने वाला ठीक है। तो ज्वार तो टाइड्स हो गया और नीचे गिरने वाला एब हो गया। देखिए मैंने क्या बोला, उठने वाला और नीचे गिरने वाला। तो द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ऑन द ओशन इज कॉल्ड टाइड्स और एब ठीक है। तो देखिए इसने क्या डेफिनेशन दे रखी, द पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस अ डे, क्या कहता है, वंस एंड ट्वाइस ए डे, एक बार आ सकता है दो बार आ सकता है दिन में, आएगा किसके कारण मैम, दैट इज द फोर्सेस जो इफेक्ट करती है, वो क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून, सन एंड मून की ग्रेविटी फोर्स है एक तो जो यहाँ पे टाइड्स क्रिएट करती है, सेकंड जो फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है। अब ये एक चीज़ आपने देखी होगी, अपन कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ठीक है, तो यहाँ पे अपन उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्री, ये भी सेंट्रीफ्यूगल है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम कोई चीज़ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो जो बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे हम उसको छोड़ देते हैं तो वो दूर जाके गिरती है ना, दोनों गिर जाते हैं। तो यहाँ तो सेंट्रल फोर्स लगा ही था, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा ही था, जो दूसरी तरफ बल लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अपन ने देखा कि कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं टाइड्स के लिए, ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून एंड सेंट्रीफ्यूगल। एक्चुअल में है क्या, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ क्या है, वाटर पार्ट्स हैं ठीक है, वाटर बॉडीज हैं। तो जैसे यहाँ क्या होता है, मून, और यहाँ क्या है, सन, हम ऐसा मान के चले ठीक है। लीनियर पेयर में होंगे तो क्या बनेंगे, हाई टाइड्स बनेंगे ठीक है, क्या बनेंगे, हाई टाइड्स बनेंगे। कैसे, देखिए दोनों की ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे, इन दोनों की ग्रेविटी लग रही है, पर ज़्यादा ग्रेविटी मून की लगेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पानी ऊपर राइज हो जाएगा ठीक है, ये अपनी तरफ पुल करेंगे। तो मैम अर्थ को क्यों नहीं पुल कर लेते, तो अर्थ की ग्रेविटी कुछ ज़्यादा है, किससे, मून से, सन से तो नहीं है, तो सन कितना दूर है अर्थ से, डिस्टेंस कितनी है सन की, इसलिए अर्थ पूरा नहीं जाता। अगर फिर भी हम सोचें कि ये पास होता तो
तो भी नहीं आता, क्योंकि हर एक जो बॉडी है उनकी खुद की ग्रेविटी होती है, जिस कारण क्या है वो अपने सोलर सिस्टम में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मून है तो मून अपना ग्रेविटी फोर्स यहाँ लगाता है तो ये पुल हो जाता है, ठीक है। तो मैम जरूरी था ना मून हमेशा यहीं हो, है ना, मून यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, सन भी, सन की भी डायरेक्शन सन की होगी या अर्थ की होगी, ऑब्वियसली मैम अर्थ की होगी, ठीक है। अर्थ रोटेट करता है सन को और सन रोटेट करता है मून को, मून रोटेट करता है अर्थ को, ठीक है, ये अर्थ है। तो यहाँ पे एक बल्ब बन गया, क्या क्रिएट हो रहे हैं, बल्ब, ठीक है, तो टाइट बल्ब होते हैं ये। तो यहाँ भी एक बल्ब क्रिएट होगा, क्यों क्रिएट होगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के रोटेट से जो फोर्स होगा वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसके कारण राइज एंड फॉल आते रहते हैं, ज़्यादा मेजर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज़ आती है टाइड्स है और एक चीज़ सर्जेज होती है, सर्जेज, ठीक है। वो सर्जेस क्या है, मैटर सर्जेस क्या है, जनरली जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे टेम्परेचर में, एयर प्रेशर में, तो इनके रीज़न से जो वाटर बॉडीज में, जो ओशियन में क्या आ जाता है, ओशियन में थोड़ा सा राइज हो जाता पानी, ठीक है, राइज हो जाता है। तो वो फोर्स क्या हो, वो सिचुएशन किसके है, सर्जेस की है। ये क्या होता है, मतलब कंफर्म नहीं होते कि होना ही है, लेकिन इनका तो कंफर्म है, ये तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, क्या है कि पेरियडिकल टाइम में राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल एंड इट कम्स वंस एंड ट्वाइस ए डे, ठीक है। फिर फोर्सेज अगर पूछ ले कि विच फोर्सेज क्रिएट्स द ऑक्योर्स द टाइड्स, देन देयर इज ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज क्रिएट द क्या, टाइड्स, ठीक है। इतनी सिचुएशन समझ में आई कि यहाँ ये टाइड किसके कारण बन रहा है, द ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन। आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि द टाइड्स क्रिएट ऑक्योर बाय द ग्रेविटी ऑफ, या फिर अट्रैक्शन ऑफ मून, अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून एंड सन, गॉट इट। यहाँ आप बोल सकते हैं द बल्ब इज ऑक्योर, द टाइड बल्ब इज ऑक्योर ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया होगा आई थिंक, कि अर्थ यू रोटेट हो रही है, तो जब अर्थ यहाँ बल्ब क्रिएट हो रहा है तो ये मून से यहाँ तो क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड जो ग्रेविटी रहती है मून की वो बहुत ही थोड़ी रहती है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ ये क्रिएट नहीं होगा, यहाँ क्या क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बल्ब क्रिएट होगा। देखिए जब ये लीनियर होते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में होते हैं, तब यहाँ बल्ब बनते हैं, हाई बल्ब, हाई टाइड्स, ठीक है। और जब सिचुएशन थोड़ी अपोजिट हो जाती है, थोड़ी अपोजिट इज द सेंस, ये मून इधर उधर आ जाता है, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। पहले देखते हैं इसने बोला क्या है, और सर्जेस के बारे में बताया, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसने बताया है सर्जेस आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड्स, रेगुलर नहीं होते, ये भी मैंने बताया आपको। द स्टडी ऑफ टाइड्स इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पेशली एंड टेम्परेली एज इट हैज़ ग्रेट वेरिएशन इन फ्रिक्वेंसी मैग्नीट्यूड एंड हाइट। क्या बोलता है ये, कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, हाइट एंड एंड मैग्नीट्यूड, परिणाम मैग्नीट्यूड, इनके अंदर क्या होती है, वेरिएशन ज़्यादा होती है, वेरिएशन ज़्यादा होती है। तो जब ये वेरिएशन ज़्यादा होती है ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि इसके इस जो स्टडी होती है, एक्चुअली टाइड्स की स्टडी को बोलते क्या है, टाइडोलॉजी, टाइडोलॉजी, ठीक है, टाइडोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को, ठीक है। अब देखिए आगे, तो इनके अंदर क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, जिनके कारण इनकी स्टडी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कठिन है, थोड़ी हार्ड है। और कैसे हार्ड है, स्पेशली कि हर जगह पे हम कैसे देखें, ठीक है, स्पेशली, सॉरी, एंड टेम्परेरली,
फिर कहता है द मून्स ग्रेविटेशनल पुल। अब देखिए इसने कहा है कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है किसके बजाय सन का। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कम काम में आएगा और मून का यहाँ ज़्यादा काम आएगा। फिर ये कहता है आर द मेजर कॉज, यही मेजर कॉजेज हैं और इसके अंदर कुछ नहीं। दूसरा फैक्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बताया है इसने, जो क्या करती हैं काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी, इसका काउंटर बैलेंस करती है ग्रेविटी का। यहाँ जो टाइट क्रिएट हो रही है उसको काउंटर बैलेंस करने का काम कौन सी फोर्स करती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या करने का, काउंटर बैलेंस करने का। फिर कहता है द ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टू मेजर बल्ब टाइट्स ऑन द अर्थ। सैम आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। फिर ये कहता है कि ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून ए टाइडल बल्ज ऑक्योर्स, वाइल ऑन द अपोजिट साइड थ्रो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून इज लेस एज इट इज फर्दर अवे द सेंट्रीफ्यूगल कॉज टाइडल बल्ज ऑन द अदर साइड। इसने कह दिया कि यहाँ तो मून के कारण ग्रेविटी लग रही है और यहाँ ग्रेविटी कम लग रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण ना होकर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के कारण बल्ज क्रिएट हो जाता है, लेकिन टू बल्ज क्रिएट होते हैं। द टाइट जनरेटिंग फोर्सेज कौन कौन सी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर और कुछ नहीं है डिफाइन करने वाला। सेम चीज बताई हुई है इसने आगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून पुल और द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कहता है, एक चीज और नोटिस करिएगा, कि जब मून अर्थ के नियर होता है, हमने पीछे के वीडियो में तो देखा है कि सन और अर्थ के बीच में एक बार ज़्यादा दूरी होती है एक बार कम दूरी होती है, तो उसको हमने बोला पेरिहेलियन जो नियरेस्ट है और अफेलियन जो फार है, फर्देस्ट दूरी है। सेम इसके अंदर भी यही सिचुएशन होती है, एक बार तो सन नियर में होता है एक बार सन दूर होता है। तो यहाँ जब नियर में होगा तो ये जो यहाँ जो बल्ज जो टाइड क्रिएट होगा वो टाइड इस टाइड से क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। ये दोनों टाइड हाई होते हैं, लेकिन जब अर्थ का सरफेस मून से मून के नियर में होगा तब यहाँ क्या होगा, ये टाइड हाई, ये जो टाइड है वो हाई होगा ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून, एंड ये लो होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नियर है, तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा कम होने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल तो उतना ही लगेगा लेकिन यहाँ की दूरी कम होने के कारण ये जो बनेगा ये तो एवरेज बनेगा लेकिन ये हाई हो जाएगा इससे, ठीक है। फिर इसने कहा है देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सो देयर इज ए नेट फोर्स कॉजिंग ए बल्ज टूवर्ड्स द मून, और इसी वजह से जो नेट फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है वहां से एक बल्ज क्रिएट हो जाएगा, किसके नियर में, मून के नियर में। द अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस एज और ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बल्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर इसने कहा है The attractive force is less as it is further away from the moon. The centrifugal force is dominant. जैसे ही इधर create होता है तो जो centrifugal force है वो dominant की तरह work करता है यहाँ पे. Hence there is a net force away from the moon. तो यहाँ पे भी net force लग रहा है, वो net force क्या है, यहाँ centrifugal force है। फिर ये कहता है इट क्रिएट्स द सेकेंड बल्ज अवे फ्रॉम द मून ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्टिकल फोर्सेज इन जनरेटिंग द टाइडल बल्ज। क्या कहता है, जो हॉरिजॉन्टल वर्क कर रही है ना फोर्सेज वो ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, किसके बजाय जो वर्टिकल फोर्सेज मूव करती हैं यहाँ पे। फिर इसने कहा है द टाइडल बल्ज ऑन वाइड कंटिनेंटल सेल्व्स कहाँ क्रिएट होते हैं, वाइल्ड सेल्व्स पर, कहाँ, सेल्व्स पर, सॉरी सेल्व्स, सेल्व्स पर क्रिएट होते हैं, ठीक है, वाइड सेल्व्स पर क्रिएट होते हैं, मतलब ओपन ओशन में ये ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लार्ज होंगे, बड़े होंगे, हैव ग्रेटर हाइट, और यहाँ पे इनकी हाइट क्या होती है ज़्यादा, जैसे यहाँ पे क्या है, ओशन है, ये स्लोप हो गया, हमने रिसेंटली पीछे के जो चैप्टर में अपन ओशन का पार्ट पढ़ा है कि ये सरफेस हो गया, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये सरफेस हो गया है ना ओशन, तो यहाँ पे जो बनेंगे ना टाइट वो ज़्यादा हाई होंगे,
ऐसा इसने बताया। वहीं टाइडल बल्स हिट द मिड ओशनिक आइलैंड दे बिकम लो द शेप ऑफ बेज एंड एस्टुरीज अलोंग ए कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ द साइड। जो मिड ओशनिक आइलैंड है, जैसे बात करें हम टाइड, वैसे समझ में आ गया होगा आई होप अब तक कि ये ओशन है। मिड ओशन में जो आइलैंड्स वगैरह बने हुए हैं, इनके नियर में जब वो टाइड हिट करेगा तब क्या होगा, जो शेप्स हैं क्या एस्चुरीज, एस्चुरीज ठीक है, एस्चुरीज एंड बेस। अब एस्चुरीज और बेस होते क्या है, बेस तो मैंने आपको बताया कि थ्री कवर्ड थ्री साइड बाय द कोस्ट एरिया, एंड ये भी ऐसा ही होता है कि ओशन में जब रिवर्स वहाँ गिरती हैं तब वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो इनके अंदर फिर क्या होगा, जो पानी है जैसे ये बेस है तो यहाँ पे ऊपर उठेगा पानी, ठीक है, इस शेप में इसने ऐसा बताया है कि एस्चुरीज और बेस के अंदर क्या होगा, अलोंग ए कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी टाइड्स की। फिर हम आगे देखते हैं, फनल शेप्ड बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड। जो फनल शेप कौन सी होती है, फनल शेप्ड क्या कर देती है, हाईली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड, जो टाइड का परिणाम है उसको बदल देती है, कौन, फनल शेप। फनल शेप इस टाइप की शेप होती है थोड़ी, ये तो अपना कोण नहीं होता मैथ में, वैसी शेप होती है थोड़ी, ठीक है, फनल शेप। और वो है कौन सी शेप, एक इसने बताया कि जो हाईएस्ट है वो भी एक इसके अंदर बताया हुआ है, पहले ये देखते हैं। फनल शेप्ड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड को बहुत रैपिडली चेंज कर देती हैं। वहीं द टाइड इज चैनल्ड बिटवीन आइलैंड और इनटू बेस एंड एस्चुरीज दे आर कॉल्ड टाइडल करंट्स। कहता है टाइडल करंट्स क्या होती है, पहले तो ये बताइए टाइडल करंट्स क्या होती है। वहीं द टाइडल कहाँ जाता है, एस्चुरीज बेस यहाँ इस साइड जाता है, ठीक है, तो किसके साथ, आइलैंड और इनटू बेस एंड एस्चुरीज दे आर कॉल्ड टाइडल करंट्स। जब ये बेस और एस्चुरीज में जाते हैं तब ये क्या कहलाता है, टाइडल करंट कहलाता है। और इसने फिर बताया है कि जो हाईएस्ट टाइड बनते हैं वर्ल्ड के वो कहाँ ओक्योर होते हैं, बे ऑफ फंडी कहाँ है, कनाडा में ठीक है। बे ऑफ फंडी में वर्ल्ड के हाईएस्ट टाइड क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं नोवा स्कोशिया में, ठीक है, कनाडा के नोवा स्कोशिया में क्रिएट होते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट टाइड ठीक है, ऑक्योर्स इन बे ऑफ फंडी नोवा स्कोशिया कनाडा ठीक है। और कितने, 15 to 16 meter हाइट होती है इनकी नियर अबाउट, ठीक है, वैसे ज्योग्राफी की कुछ भी चीज़ आप है ना कंफर्म मान के मत चलिएगा, सब कुछ नियर अबाउट होता है क्योंकि ना ये चीज़ें सब बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि सन से अर्थ की इतनी दूरी है, मून की अर्थ से इतनी दूरी है ना, हम वो चीज़ रट लेते हैं और हमें हम यही मान के चलते हैं कि वो इतना ही होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो सन जो मून है पर ईयर 4 centimeter क्या हो रहा है, 4 centimeter अर्थ से दूर हो रहा है। तो कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस सिस्टम में। फिर इसने बोला है कि बिकॉज देयर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे कितनी, टू हाई एंड टू लो टाइड्स बनते हैं हर दिन, और कहते हैं 24 hours के अंदर बनते हैं, देन ए टाइड मस्ट कम इन विद इन अबाउट ए 6 hour पीरियड,
और जब एक 6 आवर पीरियड में आती है, ठीक है, 2 2 4 हो गई, तो अगर 24 आवर्स में बता रहा है तो 24 डिवाइड बाई 6 मतलब क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 4 देन 6 आएगा, तो मतलब 6 6 आवर में ये क्या क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे क्रिएट होंगे थोड़ा वो देख लीजिए आप, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। जैसे यहाँ बीच में रब कर लेती हूँ, बे ऑफ फंडी है कौन सी शेप, फनल शेप्ड है। जैसे ये अर्थ है, मैंने बताया कि जब लीनियर होंगे, ठीक है, जब लीनियर होंगे तब तो हाई टाइड्स बनेंगे, हाई टाइड्स, ठीक है। लेकिन जब मून रोटेट करता है तो मून यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन सी शेप बन गई, राइट एंगल शेप बन गई, क्वाड्रेचर शेप बोलते हैं इसको, क्वाड्रेचर शेप, ठीक है। जब क्वाड्रेचर शेप बनेगी तब क्या होगा, तब भाई साहब ये क्या होगा, कौन से लो टाइड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लो टाइड्स बनाएंगे, आई बात समझ में। फिर एक वापस ये मूव होगा, तो जब ये मूव होगा तो यहाँ भी देखिए क्वाड्रेचर की शेप बन रही है कि हाँ मैम क्वाड्रेचर की ऐसे तो बन रही है, लेकिन ये लीनियर तो आ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, मून और ये लीनियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर मून यहाँ है तो ये लीनियर है ना, तो यहाँ कौन सा बनेगा, हाई टाइड्स बनेगा। फिर ये जब परपेंडिकुलर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मून, तब क्या बन जाएगा, फिर से लो टाइड बन जाएगा, आई बात समझ में। तो इसने कहा है कि यहाँ हर दिन 2 हाई 2 लो क्या आते रहते हैं, टाइड्स आते रहते हैं। फिर इसने कहा है एज ए रफ एस्टिमेट द टाइड राइजेज अबाउट 240 सेंटीमीटर एन आवर, कितना 240 सेंटीमीटर पर आवर में क्या होता है, राइज होता है। यहाँ पे द बे ऑफ फंडी में नोवा स्कोशिया यहाँ, और 1440 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 आवर्स ये डिवाइड किया गया है इसने। इफ़ यू हैव वॉक्ड, अगर इस फिर ये कहता है कि अगर आप किसी स्टीप क्लिफ पे चल रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे वहाँ चलते चलते कि भाई हाँ वहाँ से टाइड ऊपर उठ रहा है, लेकिन आप जैसे उसको देखने जाते हो लेकिन वापस जब तक लौट के आते हो ना, तो वो जो पानी है वो आपके सर पे होगा। इसने ये स्पीड बता दी कि 240 सेंटीमीटर पर आवर में क्या करता है, इसके राइज होता है। तो जैसे आप वहाँ जाते हो ऐसे देखने के लिए बीच वगैरह पे, तो वो आपके सर के ऊपर होगा। क्लिफ बताइए इसने, स्टीप क्लिफ मतलब एकदम से खड़ी ढाल नहीं होती, वो बताइए इसने। फिर अब आती है बात टाइप ऑफ टाइड्स की, टाइप ऑफ टाइड्स की अलग अलग डायग्राम बनाएंगे इनके, ताकि अच्छे से समझ में आए। टाइप्स ऑफ टाइड्स, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, टाइड्स वेरी इन देयर फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन एंड मूवमेंट, क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी स्पीड है क्या, और स्पीड के अकॉर्डिंग बताया क्या, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन एंड मूवमेंट, इसमें क्या होता है, वेरी करता है ये, ठीक है। वेरी मतलब अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप्स के टाइड्स बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम फ्रीक्वेंसी के लेकर ही पढ़ेंगे। टाइड्स में बी ग्रुप्ड इन टू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्योरेंस इन वन डे 24 आवर्स और बेस्ड ऑन देयर हाइट, और एक किस पे, हाइट पे भी बेस्ड होते हैं, ठीक है, हाइट पे भी बेस्ड होते हैं। तो आप खुद से बना के लिख सकते हो कि द टाइड्स आर बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी डायरेक्शन हाइट एंड मूवमेंट्स टू प्लेस एंड प्लेस दीज आर वेरी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम देखते हैं। इसमें 3 दिए हुए हैं कि सेमी ड्यूरनल टाइड एंड ड्यूरनल टाइड एंड मिक्स टाइड, क्या सेमी ड्यूरनल टाइड
एंड सेकंड इसने बताया है डायगोनल टाइड एंड थर्ड इसने बताया है मिक्स्ड टाइड। ठीक है, अब देखिए सेमी ड्यूरनल क्या है। द मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न फीचर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे। क्या आएंगे? टू हाई एंड टू लो टाइड्स ईच डे। ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, सेमी डायगोनल डायगोनल टाइड। द सक्सेसिव हाइट और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम। जो इनकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। फिर डायगोनल टाइड बोला तो इसमें क्या कह देंगे, वन वन हाई टाइड आएगा, वन लो टाइड आएगा, और इनकी भी अप्रोक्सीमेटली हाइट जो क्या होगी, सेम होगी। वन हाई टाइड, वन लो टाइड, और जो हाइट होगी वो क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली सेम। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सेमी ड्यूरनल है तो उसमें टू आएगी। जनरली हम सेमी का देखते ही आधा कर देते हैं ना, तो वो मत करिएगा। सेमी ड्यूरनल में टू हाई टू लो टाइड बनेगी ईच डे, और क्या होगी, उनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। डायगोनल टाइप में एक हाई बनेगा और एक लो बनेगा ईच डे, और उनकी भी जो हाइट होगी वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस इतना मान के चलिए। टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नॉन एज मिक्स्ड टाइड्स। अब इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, किस में होगा, हाइट में, वेरिएशन इन हाइट्स। ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे, मिक्स्ड टाइट। मतलब इसके अंदर जो हाइट होगी वो क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, फिक्स नहीं होगी। दीज टाइड्स जनरली ऑक्योर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन मैनी आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन। कहाँ जनरली ऑक्योर होते हैं, पैसिफिक ओशन में एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ ओक्योर होते हैं, क्या, पैसिफिक ओशन एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में ओक्योर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसने बताया दैट बेस्ड ऑन द सन एंड मून एंड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। यही देख लेते हैं, सन मून एंड अर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कितने, टू टाइप के, स्प्रिंग टाइड एंड सेकेंड वन इज नीप टाइड। कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी ही पढ़ेंगे हम, एक चीज़ में ही आपको समझ में आ जाएगा। स्प्रिंग टाइड हाई टाइड्स होती हैं। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ, जाने दीजिए, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। स्प्रिंग टाइड्स देखिए सिचुएशन क्या होगी, मैंने बताया ये अर्थ है, ये मून है, ये क्या है, सन है, लीनियर है, ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ नहीं, फिर तो सेम से हो जाएगी ना, यहाँ सन कर देते हैं, ये सन है। ठीक है, तो देखिए लीनियर है कि नहीं है दोनों में, तो जो लीनियर होंगे वहाँ हाई टाइड्स बनेंगे, क्या बनेंगे, हाई टाइड्स। जब तक आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते ना, तब तक समझ में नहीं आती इसकी शेप कैसे बनेगी। ये अर्थ हो गया, ये भाई साहब मून हो गए, और ये भाई साहब सन हो गए, या फिर नीचे आ जाएगा मून। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी होता है तब भी यही शेप बनती है। ठीक है, क्वाड्रेचर की मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए। अब एक चीज़ का और नोटिस करिए, हम देखते हैं जनरली 27 डेज में मून क्या करता है, अर्थ को, अर्थ के रोटेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ 7 डेज लग गए, 7 यहाँ, 7 यहाँ, ये 7 यहाँ। ठीक है, पूरा कंफर्म नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है कि 7 डेज ही लगेंगे, कम भी लग सकते हैं, पर एवरेज मान के चला कि 7 डेज लगेंगे। ठीक है, 7 डेज इसमें, 7 डेज इसमें, 7 डेज इसमें, 7 डेज इसमें, तो जो हाफ हाफ के हैं वहाँ क्या लगेगा, क्या लगेगा, कौन सा, नीप टाइड बनेंगे, मतलब लो टाइड बनेंगे,
इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपको। और टाइड कैसे क्योर होते हैं, वो फोर्सेज मैंने आपको बता दी, वो टाइड जनरेटिंग फोर्सेज हैं। अब देखिए, द पोजिशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन ऑफ द अर्थ हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द टाइड हाइट। व्हेन द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर, दीज आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। दे ऑक्योर ट्वाइस ए मंथ ऑन द फुल मून पीरियड एंड अनदर ड्यूरिंग द न्यू मून पीरियड। अब एक चीज और है इसके अंदर कि कब न्यू मून जब बनेगा एंड फुल मून। अब फुल मून तो देखिए कब देखते हो, पूरा चांद पूर्णिमा को देखते हो, पूर्णिमा। और यहाँ अमावस्या कब देखते हो, अमावस्या को। तो ठीक है, जनरली टाइड्स मंथ में टू टाइम्स क्रिएट होंगे, कितने टाइम्स, टू टाइम्स ऑक्योर होंगे, ठीक है। कब, अमावस्या, न्यू मून, पूर्णिमा, फुल मून के समय। आई होगी ये बात समझ में, टू टाइम्स क्रिएट होते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये भी टू टाइम्स क्रिएट हो रहे हैं मैम, वेरी सिंपल। कब, शुक्ल अष्टमी को, अष्टमी, कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, सेम टू टाइम्स ये क्रिएट होते हैं मंथ में। आई बात समझ में, अष्टमी कह दो या सेवन डेज मान के चलो तो सप्तमी भी आता है, ठीक है, सप्तमी, मुझे नहीं पता इंग्लिश में कैसा लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता होगा ये, है ना, अष्टमी और सप्तमी, शुक्ल कृष्णा अष्टमी या सप्तमी को ये आते हैं। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं ना कि दो दिन इकट्ठी बता दें कि आज अष्टमी और नवमी इकट्ठी है, और इनकी बात करें तो ये भी मतलब ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, ज्योग्राफी के अंदर ये नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। फिर अगर इतनी चीज़ समझ में आई होगी, टू टाइम्स ये ओक्योर होते हैं, टू टाइम्स ये ओक्योर होते हैं, टू टाइम्स हाई टाइड्स ओक्योर होते हैं, वो स्प्रिंग टाइड्स होते हैं। और जब क्रिएट होंगे, जब दोनों लीनियर सिचुएशन में होंगे, तीनों, सॉरी, अमावस्या पूर्णिमा को क्रिएट होंगे, शुक्ल कृष्ण अष्टमी या सप्तमी को क्रिएट होंगे टू टाइम्स। नीप टाइड्स देखें, नॉर्मली देयर इज ए सेवन डे इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड्स एंड द नीप टाइड्स। एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स to each other. The forces of the sun and moon tend to contract one another. The moon's attraction though more than twice as strong. अब एक चीज और ध्यान दीजिए, बल्ब यहाँ भी बनेगा, चलिए दूसरे मार्कर से बनाते हैं, है ना, थोड़ा समझ में आए तो। बल्ब यहाँ भी क्रिएट होते हैं, ठीक है, बल्ब यहाँ भी क्रिएट हो रही, चल ही नहीं रहा यार, ये देखते रेड वाला चलता है क्या, यहाँ भी क्रिएट हो रहे हैं बल्स, यहाँ भी क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ भी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। तो अब देखिए, ये मून फोर्स लगा रहा है, ऐसे एक टाइम में नहीं होंगे, या तो ये सिचुएशन होगी यहाँ मून यहाँ सन, तो दोनों टाइम अलग से ही बताते हैं, चलो यहाँ बताते हैं कि ये अर्थ है, ये सन है, ये क्या है, मून है, इस लाइन में है, तो यहाँ भी ग्रेविटी लग रही है, यहाँ भी ग्रेविटी लग रही है, लेकिन सन क्या है, अर्थ से दूर है, ये बात मैंने आपको बताई, डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, सन की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो यहाँ टाइड क्रिएट होगा ना, यहाँ जो अट्रैक्शन लग रहा है वो इसके आधा होगा, मतलब यहाँ का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ट्वाइस अट्रैक्शन किसका होगा, मून का होगा, क्योंकि मून क्या है, नियर टू अर्थ, then they pull gravity more than sun and the frequency of twice, कितनी है, twice times है उसकी। फिर इसने कहा है कि थो more than twice as strong as the sun's diminished by the countering force of the sun's gravitation, one in month when the moon orbit is closest। अब देखिए एक चीज़, इतना समझ में आ चुका होगा आई थिंक, नहीं आया तो वीडियो को बैक करके वापस देख लीजिएगा। देखिए ये कहते हैं, ये क्या है, अर्थ। अब इसमें ना एक टाइम तो ऐसे आएगा कि मून नियर में होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मून थोड़ा क्या होगा, दूर होगा। हमने ऐसी चीज सन की भी पढ़ी थी, है ना, ये क्या है हमारा सन, तो एक टाइम तो अर्थ क्या था, नज़दीक था, एक टाइम क्या था,
अर्थ दूर था, ठीक है। तो जो दूर है ना उसको क्या मानो, एफेलियन, ठीक है। और ये भी एपी से ही बनेगा, फिर क्या हो जाएगा, अपोजिंग, अपोजिंग, ठीक है। पी से पास, ठीक है, पी से पास, तो मतलब पैरेजी, एंड ये क्या होगी, पैरे हिलियन, ठीक है, प्रे हिलियन, ठीक है। अफेलियन प्रे हिलियन में क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पैरिजी लिख दिया था क्या, पैरिजी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, जब सन अर्थ से दूर होता है उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, अफेलियन। कब होती है ये सिचुएशन, 4th of July, कब होती है, 4th of July, एंड दिस इज 3rd of Jan, 3rd of Jan, आई बात समझ में। अब एक चीज देखिए, जब यहाँ बल्ब क्रिएट होगा, जब इस सिचुएशन में बल्ब क्रिएट होगा तो वो बल्ब क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ बल्ब ज्यादा बड़ा क्रिएट होगा ना, क्योंकि ये नजदीक है तो यहाँ फोर्स ग्रेविटी ज्यादा लगेगा, जब दूर होगा तो क्या वहां फोर्स कम लगेगा। सेम सिचुएशन यहाँ है, यहाँ जो बल्ब क्रिएट होगा वो क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि मून क्या है, अर्थ के नियर में है। सिर्फ यही सिचुएशन बताई है इसने, देखिए मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। वहीं द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, पैरेजी सिचुएशन को बोलते हैं अनयूजली हाई एंड द लो टाइड्स अक्योर, और फिर क्या होते हैं, हाई एंड लो टाइड्स अक्योर होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन द नॉर्मल, लेकिन इस टाइम क्या होगी, ग्रेटर होगी, सिचुएशन क्या होगी, ग्रेटर देन नॉर्मल, ठीक है। यहाँ की जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन नॉर्मल, गॉट इट, इतना समझ में आएगा। और सैम अगर यहाँ की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ की सिचुएशन भी क्या होगी, ग्रेटर देन नॉर्मल। फिर इसने बताया है कि 2 weeks लेटर व्हेन द मून इज फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, और 2 week बाद, अब देखिए यहाँ मून है तो फिर यहाँ जाएगा 7 days हो गए, फिर यहाँ जाएगा 7 days हो गए, तो जब 7 2 weeks हो गए ना, तब जी यहाँ जाएगा तो क्या होगी, इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, और दूरी कितनी ज़्यादा हो सकती है, चलिए देखते हैं। समटाइम्स आपको ये लिखा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और समटाइम्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, सीधी सिचुएशन बता देंगे आपको, समटाइम्स तो आपको मिलेगा 40, 54, 10 किलोमीटर, और समटाइम्स आपको सीधा सा मिल जाएगा कि 47,000 किलोमीटर, ठीक है, नियर की सिचुएशन है, अपोजिट लिख दिया, क्या हो रहा है, ये सिचुएशन यहाँ है, क्योंकि ये सबसे क्या है, ज़्यादा दूर है, और वो 3 lakh के नियर अबाउट हो जाएगी सिचुएशन, यहाँ इतना दूर होता है, मतलब दोनों ही चीज़ आपको बताई जा सकती है। और उसकी बात करें ना तो ये आपको मिलेगी 35,000 के नियर अबाउट, 35,000 के में किलोमीटर नियर अबाउट मिलेगी, हो सकता है आपको ये भी ये ना मिल के आपको मिल जाए ये 36, 25, 70 किलोमीटर, ठीक है, इतना फर्देस्ट होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई होप। वहीन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन पेरिहिलियन, वह पेरिहिलियन लिखा ना, हाँ पेरिहिलियन, तो जब पेरिहिलियन में क्या होगी, अर्थ पास होगी, पी से पास होगी, तब क्या होगा, वहाँ पे बल्ब जो क्रिएट करेगा वो इस बल्ब, इस सिचुएशन के बल्ब से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद में इसने सेम चीज़ यही बोली है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कब होता है वो मैंने बता दिया, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग, जब टाइड क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, तो वाटर राइज होता है, लेकिन वो वाटर जब राइज होता है तो वो वापस भी तो गिरता है, जब वो वापस गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉलिंग क्या होता है, ईब, ठीक है, व्हेन वाटर राइज एंड देन दैट फॉल्स दैट इज कॉल्ड, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द ईब। द टाइम बिटवीन द टू लो टाइड एंड द हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड द फ्लो और फ्लड, जो टाइड राइजिंग होते हैं उसको क्या कह देते हैं, टू हाई
टाइड्स एंड टू लो टाइड्स जब क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो समय लगता है, जो राइज होता है, उसको क्या कह देते हैं, फ्लो और फ्लड। जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे ही आप स्टीप क्लिप पे चलते हो तो जैसे आप टाइड को उठता हुआ देखोगे तो वो क्या होएगा, जैसे आप वहाँ देखने पहुँचोगे और जैसे वापस आप उस जगह पे आओगे आप, तो वो आपके सर के ऊपर होगा पानी। तो फ्लो एंड फ्लड सिचुएशन कहते हैं उसको। इम्पोर्टेंस क्या है टाइड की, देखिए, सिंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ मून सन पोजिशन विच आर नोन एज एक्यूरेटली द टाइड्स कैन बी प्रिडिक्टेड वेल इन एडवांस, दिस हेल्प्स द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज़। क्या कहता है, नेविगेटर्स नेविगेटर्स एंड फिशरमैन्स की हेल्प करता है, फिशरमैन्स की हेल्प करता है किसमें, मैन की हेल्प करता है किसमें करता है, प्लान्स क्रिएट करने में अपने, ठीक है। तो जो नेविगेटर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ही टाइड का अनुमान लगा लेते हैं कि भाई अब ये आने वाला है, ठीक है, हाई टाइड आने वाला है, अब ये आने वाला है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। टाइडल फ्लोज आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन नेविगेशन, नेविगेशन में इसका जो टाइड का है वो क्या है, इम्पोर्टेंस है किसके अंदर, नेविगेशन के अंदर। द टाइडल हाइट आर वेरी इम्पोर्टेंट स्पेशली हार्बर्स नियर रिवर्स एंड विद इन एस्चुरीज हैविंग सैलो बार्स एट द एंट्रेंस विच प्रिवेंट शिप्स एंड बोट्स फ्रॉम एंटरिंग इन टू द हार्बर्स। कहता है कहाँ इम्पोर्टेंट है, जो हार्बर्स वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, ट्रेड होता है, हार्बर्स वगैरह, हार्बर्स वगैरह जगह पे, और जहाँ शैलो बार्स बनते हैं, सैलो बार्स बनते हैं, जहाँ एस्चुरीज बनती हैं, एस्चुरीज बनती हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होता है एक्चुअली, हम देखते हैं कि जो शिप वगैरह खड़े रहते हैं, बोट वगैरह खड़े रहते हैं, उनको यूं ही खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्यों, क्योंकि वो फ्लो हो जाएंगे फिर, है ना, उनको बांध के रखा जाता है, ठीक है। तो ये इन जगह के लिए राइज का जो हाई टाइड्स है वो इम्पोर्टेंट्स है, इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए। देयर आर ऑल्सो हेल्पफुल इन डेजिलेटिंग द सेडिमेंट्स एंड इन रिमूविंग पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द रिवर और एस्चुरीज। क्या सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट अब आया है कि पॉल्यूटेड वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है, वाटर रिमूव करता है, कि जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो क्या करेगा, पॉल्यूटेड वाटर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, और क्या करेगा, सेडिमेंट्स लाकर वहाँ पे, जैसे यहाँ अगर कुछ पानी के अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा, उनको लाके कहाँ गिर देगा, ज़मीन पे गिर देगा, मतलब पानी को शुद्ध कर देगा, ठीक है, प्योर कर देगा। टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। क्या क्या बोला इसने नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करने के लिए, ठीक है, कहाँ कहाँ बताएं इसने, चाइना, रशिया, फ्रांस, कनाडा और इंडिया में भी है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ, वेस्ट बंगाल की साइड जो एस्चुरीज डेल्टास वगैरह बनते हैं वहाँ, क्या बताया, दुर्गा दूनी इन सुंदरबंस, दुर्गा दौनी इन सुंदरबंस, सुंदरबंस, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बंगाल में क्रिएट होते हैं, क्या पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, प्रोजेक्ट लगाए गए कितने, 3 मेगावाट के, सम टाइम्स आपको ये भी मिल सकता है 4 मेगावाट के, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये वाटर है और टाइड जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे टरबाइन क्या होती है, जैसे ही टाइड यू जनरेट होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पानी आएगा, पानी आएगा तो ये जो टरबाइन्स है वो जनरेट होगी, जनरेट होने से यहाँ से जो एनर्जी बनेगी वो ऊपर उठेगी, ये क्या होता है, ऐसे ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ऊपर उठता है नीचे गिरता है, ऐसी प्रोसेस होती रहती है इसकी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पानी आएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, और जैसे पानी ख़त्म, मतलब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या जो भी खंभा वगैरह पोल्स वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ पे एनर्जी कंडेंस हो जाती है, और तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है।
आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी आपको टाइड्स समझाने के लिए। टाइड्स जनरली कुछ नहीं है, द राइजिंग एंड द फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन ऑन द ओशन सरफेस, सी सरफेस, सी लेवल, वॉट एवर, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून्स, हम ये भी कह सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाती है ना, तो आप कुछ भी कितना भी आप लिख सकते हो। और जो मैन मैन चीज़ें हैं जो यूपीएससी वगैरह में भी पूछे, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट मोर एंड मोर। थैंक यू।